आज ईद उल फितर है। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से बंदों के लिए आज इनाम का दिन है। रमज़ानुल मुबारक में जिस कदर इबादतें, रियाजतें, जिक्र, तिलावत, तस्बीह, तरावीह आपने अदा किए हैं, उन सब की उजरत का आज दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आज बेपनाह बख्शिश, रहमत और ख़ज़ाने बरकत तकसीम किए जाते हैं। ईद का तसव्वुर इस्लाम में क्या है? खुशियां मनाना। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, महबूब आप फरमा दें, जब तुम्हारे पास अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत आए तो खुशियां मनाओ। अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत आए तो खुशियां मनाओ। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिदालिका फ़लयफ़रहू। अब जब जब अल्लाह का फ़ज़ल होगा और जब जब उसकी रहमत होगी, हम खुशियां मनाएंगे। और खुश होने का अंदाज़ और तरीक़ा क्या होना चाहिए? वो सुन्नत नबवी से हमें हासिल करना चाहिए। खुशियां मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया जैसे खुशियां मनाती है उसी अंदाज़ में मनाने लग जाएं। इस्लाम हर चीज़ में खत्ते इम्तियाज़ रखता है। तुम्हारी इबादतों का तरीक़ा अलग है, तुम्हारे रब को पुकारने का तरीक़ा अलग है, रब ताला के हुजूर सर ब सजूद होने का तरीक़ा अलग है। रब तबारक व ताला ने तुम्हें मुमताज़ पैदा किया है, जाहिर सी बात है तुम्हारी खुशियां भी मुमताज़ होनी चाहिए। पूरी कायनात में लोग अगर खुशियों में डूबकर शराब नोशी करते हैं तो ये खुशियां नहीं हैं। अगर आज की रात या आज का दिन लोग ये समझते हैं कि खुशियों का मतलब है कि खूब इंटरटेनमेंट किया जाए, नफ्स जो जो चाहता है वो सब कर लिया जाए, तो इस्लाम इसे खुशियां नहीं कहता। मेरे अजीज़ों, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस्लाम में जो भी ईद आई है, जो भी ईद है, आप इसका तजज़िया करके देखें, आपको खुले मैदानों में सड़कों पर छोड़ नहीं दिया जाता कि दिन भर जो करना है करो, नहीं, बल्कि खुशियां मनाने का तरीक़ा ये बताया गया है कि सबसे पहले उठने के बाद वज़ू, गुस्ल, इत्र, खुशबू के साथ पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आओ और सजदा करो। ये खुशियां मनाने का सबसे पहला तरीक़ा ये है कि मुसलमान जब सबसे ज़्यादा खुश होता है तो सजदा करता है। तो सजदा करने के लिए आज ईदगाहों में, मस्जिदों में जो लोगों की आज कतारें हैं, सफ़े लगी हैं, मेरे अजीज़ों, ये इस्लाम का खुशी मनाने का तरीक़ा है। ये नहीं कि लोगों के दरमियान कचरा बन करके, लोगों को ईज़ा दे करके खुशियां मनाई जाए, इस्लाम इसका कायल नहीं है। बहरहाल सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए कौन सी है? अल्लाह ने फरमाया कुरान में, ऐ महबूब आप फरमा दें, जब अल्लाह का फ़ज़ल आए और उसकी रहमत तो खुशियां मनाओ। तो अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत क्या है? अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत क्या है? बहुत सारी चीज़ें। रमज़ान ये अल्लाह का फ़ज़ल ही तो था, तुम्हें खिला पिला रहा है ये अल्लाह की रहमत ही तो थी, तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दिया ये उसकी रहमत ही थी, तो ये फ़ज़ल और ये रहमत है। लेकिन सबसे बड़ी रहमत जब तुम्हारे पास आए तो खुशियां मनाओ। कुरान कहता है सबसे बड़ी रहमत क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाकर भेजा है। पता ये चला कि कायनात की सबसे बड़ी रहमत मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पाक है, और जब वो आए तो सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है। इसीलिए कहा है कि दोनों ईदों से अफजल है ईद मीलाद रसूल। चाहे ईद उल फितर हो या बकरीद हो, ईद उल अज़हा हो, ये दोनों ईदों से अफजल है ईद मीलाद रसूल। उसकी वजह यह है कि हमें ना ईद उल फितर मालूम होती, ना ईद उल अज़हा मालूम होती, ये सब मालूम हुई है अगर तो आमिना के लाल के सदक़े में मालूम। हाँ, हमें रमज़ान पता चला है, ईद पता चली है, तो किसकी बदौलत? अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते, ना बताते, तो कौन से रमज़ान का तसव्वुर था, कौन सी ईद पता चलती? इसीलिए हासिल कलाम तो ये है मेरे अजीज़ों, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है।
आज ईद अगर मनाना भी है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज ईद पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहला काम जो आप करते हैं वो क्या है? सबसे पहला काम आप ये करते हैं, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात, और घर जल्दी भाग करके जाते हैं कि अपने बड़ों से मुलाकात करना है। आज मुसाफा मुआनका का दिन है, आपको अपने माँ बाप जिस कदर याद रहते हैं मेरे अजीज़ों, उस रसूल को आज हरगिज़ फरामोश ना करो जो अपने रात की तन्हाइयों में तुम्हें उम्मती उम्मती कहकर याद किया करते थे। आज उनका दिन है, आज उस रसूल पाक का दिन है। सूरज के डूबने से पहले पहले तक कसरत से मेरे आका की बारगाह में बैठकर दुरूद भेजो और अर्ज करो कि आका आज मेरी खुशी का दिन है, मैं अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी से प्यार करता हूं तो आपकी ज़ात मुबारक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद करना आज की ईद के दिन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है मोमिनों। बाकी मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकता जिन लोगों ने आज की ईद को जुआ का अड्डा बना लिया हो, शराब पीने का जरिया बना लिया हो, सिनेमा थिएटर पे जाकर के ऐश करने का जरिया समझा हो। मैं समझता हूँ कि उनके अंदर रूह इस्लाम नहीं आई। अगर इस्लाम की रूह होती, अगर ईमान उनके कल्ब में बशाशत पैदा कर चुका होता तो हरगिज़ वो ऐसी जगह कदम भी नहीं रखते। ऐ मेरे अजीज़ों, आज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम बन करके दिखाने का भी दिन है। आज दुनिया तुम्हें देख रही है, आज पूरी दुनिया देख भी रही है और डर भी रही है कि ये बाहर निकले हैं आज क्या होने वाला है। मेरे अजीज़ों, तुम्हारे पास सबसे बेहतरीन मैसेज देने का वक्त ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम उनकी सुन्नतों में मलबूस अपने घरों से आज निकले हैं और पूरी दुनिया में हुजूर की सुन्नतें आम करके रहेंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को फैला कर रहेंगे। आज तुम्हारे जरिए से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आम होने चाहिए। नॉन मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी अगर उसके साथ तुम्हारे मदद का जज्बा आया, कम से कम उसके दिल में ये ख्याल तो आएगा कि ये नौजवान क्यों मेरे साथ अच्छाई कर रहा है। उस वक्त तुम ये बता सकते हो ये मेरा अपना अमल नहीं, ये मेरे आका का अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज के दिन गरीबों को नहीं भूलते, यतीमों को फरामोश नहीं करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज उन यतीमों, बेवाओं, सबके घरों का ख्याल तक रखते थे। अजीज़ा निगरामे वक़ार, आज ईद के इन लम्हात में यकीनन रमज़ानुल मुबारक गुजर जाने के बाद खुशियों का दिन ज़रूर होता है, लेकिन साथ ही आज हमें कल्क भी है, गम भी है हमारे उन भाइयों का जो आज ईद मनाने के लिए या तो हमारे साथ नहीं हैं, नाहक जेलों में बंद हैं, कुछ बेकसूर कैदी हैं, और बहुत सारे वो लोग हैं जिनके यहाँ असबाब की कमी है और कोई ईद नहीं है उनके यहाँ। वो फिलिस्तीन का इलाका हो कि शाम हो कि यमन हो कि इराक हो, उनके यहाँ कोई ईद नहीं। वो खुले मैदानों में आज भी एक एक रोटी और बोटी के लिए तरस रहे होंगे। आज उस दर्द के साथ हम ईद के लिए हाजिर हैं और बारगाह मौला में ये अर्ज ज़रूर करेंगे कि मौला, जहाँ तू हमें नरम लुक्मे खिला रहा है, हुजूर की उस गरीब उम्मत पर भी रहम फरमा दे। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज ईद के दिन जो काम करने के हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने का दिन है। आज के दिन हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो अमल है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो दो है, दो अमल अल्लाह को बहुत पसंद है आज के दिन। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो अमल क्या है? हुजूर फरमाते हैं पहली चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई, तकबीर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये तकबीर बयान करना पहला अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरा अमल इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह
अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। दो अमल आज के दिन अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है, एक उसकी बड़ाई बयान करना तकबीर और दूसरे इस्तग़फार। और फरमाया कि जब अपने घरों से निकलो तो तकबीर कहते हुए निकलो। कितने लोग ऐसे हैं जो तकबीर पढ़ते हुए आए? बहुत कम लोग हैं, सब अपने अपने धुन में चले जा रहे हैं। यहाँ तक के फरमाया इस तकबीर का अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाओ, आने के वक्त जिस रास्ते से आए थे ईद के लिए, जाने के वक्त दूसरे रास्ते से जाओ। वाजिब नहीं है, लेकिन इसकी हिकमत क्या है? एक रास्ते से आना और दूसरे रास्ते से जाना सुन्नत। फरमाया गया कि जब तुम एक रास्ते से तकबीर पढ़ते हुए आते हो तो उस रास्ते पर मौजूद जितने मकान, पत्थर, दरख्त हैं वो सब तुम्हारी तकबीर की गवाही देंगे। कयामत के दिन तुम्हारी तकबीर की वो गवाही देंगे कि मौला ये हमारे सामने से तेरी बड़ाई करता हुआ गुजरा है। तो हो सके दूसरे रास्ते पर भी गुजरो ताकि ज्यादा से ज्यादा इन तमाम चीजों को अपनी तकबीर का गवाह बनाया जा सके। तो इससे अंदाजा करें कि तकबीर आज के दिन बहुत अहमियत की हामिल है और इसी तकबीर की आज जरूरत भी है मुसलमान को। इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। मतलब यह है कि उस तकबीर का आज भी बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है, जिस तकबीर की आवाज़ से ही कुफ्र के खेमों में हलचल मच जाए। वो सिर्फ और सिर्फ हलक से निकलने वाली तकबीर नहीं है, वो ईमान की बशाशत और तवक्कुल के साथ निकलने वाली तकबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मेरे अजीज़ों ईदुल फितर में जो नहीं करने के काम है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, समझदार तबका है हमारा। आज शाम तक एक बात तय करके रख लेना, क्योंकि कल रात को ही शैतान आया है छूट करके कैद से, और वो अपने पूरे फोर्स के साथ चाहता है कि तुम्हें किसी न किसी तरह से इन रास्तों से लेकर गुनाहों के अड्डों पर ले जाओ। कितने ऐसे लोग हैं जो एक ही दिन में उसके शिकंजे में फंस जाते हैं, ये उनका मामला है। इसलिए आज शाम तक अपने आप को कंट्रोल करो कि मैं ना आज गाने बजाने, सिनेमा और जुओं की तरफ जाऊंगा और ना ही बेहयाई के अड्डों की तरफ जाऊंगा। आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों पर रश्क फरमाता है। तवज्जो तो चाहता हूँ, तवज्जो। ईद के दिन जब बंदे सजदे में गिरते हैं, ईदगाह हो कि मस्जिदें हो, जैसे ही तुम ईद के दिन सजदे में चले जाते हो, ये लम्हा कौन सा है जानते हैं आप? ये लम्हा कौन सा है? जिस दिन दुनिया पूरी, आप भी रमजान भर सजदे में गए होंगे, इबादतें करके भीख क्या मांगते थे, अल्लाह तू राजी हो जा, हम यहां मांग रहे थे। लेकिन ईद के दिन के सजदे के बारे में फरमाया गया, जैसे ही उम्मत सजदे में जाती है, मौला सारे फरिश्तों में ऐलान फरमाता है, फरिश्तों आओ देखो मेरे बंदे, मैं इन सब से राजी हूं और इन सब पर मुझे रज कहता है। आज दुनिया खुशियों में डूब करके अय्याशी करना चाहती है, लेकिन मेरे ये बंदे हैं जो दुनिया को तर्क करके मेरी बारगाह में सजदा रेज हैं। आज मौला रब्बुल इज्जत रश्क फरमाता है फरिश्तों पर। इसलिए मेरे अजीजों नहायत ही इखलास के साथ, इत्मीनान के साथ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने आप को खुद सुपुर्द करके ईद की नमाज अदा करें, और उम्मीद है कि ये ईद हमारी एक इनकलाब लाएगी इंशाअल्लाह। जो हालात आज पैदा हो चुके हैं, मैं उसके लिए भी गुजारिशतन यानी मारूजतन यह अर्ज करूंगा कि आप अमन व अमान को बरकरार रखें, अमन व अमान को बरकरार रखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे अफसोस है यहाँ के भी हालात और पूरे हिंदुस्तान के भी हालात जिस तरह से अपनाए जा रहे हैं। यहूदियों की एक बड़ी साजिश थी खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में, वो क्या करते थे कि मुसलमानों को भड़काने के लिए, वरगलाने के लिए कुछ उनकी मुकद्दस चीज़ों की तौहीन करते थे किसी एक के ज़रिए से, और जब मुसलमान भड़क जाते बाहर आते तो फिर उनके बीच में ये यहूदी भी दाखिल होते थे, बाज़ाब्ता ये तरीक़ा अपनाते थे और फिर मुसलमानों में आपस में लड़ा देते थे। उसके बाद वहाँ से खिलाफत के ख़िलाफ़ ऐलानात भी करते थे, उसमें यहूदी दाखिल होते थे।
तो इस तरह भीड़ जमा करके बाहर वरगलाना, लोगों को उकसाना, यह उनका काम था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हो सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपने गम और गुस्से का इजहार सिर्फ भीड़ से नहीं होता, जिसमें आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इरशाद फरमाया कि मुसलमानों को इस तरह से खुले तौर पर किसी चीज़ पर जमा कर लेना जिससे खतरात लायक हो नाजायज़ है। आप इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें कि दुश्मन ताकतें आज यही चाहती हैं कि तुम्हें उकसा कर, वरगला कर, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकें। पिछले दो साल से, दो साल का अरसा गुजर गया, बेंगलुरु में भी एक हादसा हुआ था, वायलेंस हुआ था गालिबन और रमज़ान के मौके पर ही, 125 के करीब नौजवान दो साल से अभी तक जेलों में बंद थे, कुछ छूट गए कुछ अभी तक बाकी, उसमें कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं अंदर बैठे हुए हैं। तो ये सब हालात दिल को दहला देते हैं। आप अमन अमान को बरकरार रखें और जब तक अपने बड़ों और बुज़ुर्गों की तरफ से कोई बात ना आए, आप कोई भी चीज़ अपने हाथ में न लें, और अल्लाह करीम हम सबको माहौल में अमन अमान बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए, और ज़ालिमों के शर से मौला हमारी हिफाजत फरमाए। जिस तरह बुरे मंसूबे तुम्हारे मुतालिक बनाए जा रहे हैं, करीम खुदा की बारगाह में दुआ है कि मौला उन तमाम मंसूबों को तू खाक में मिला दे, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस भोली भाली उम्मत को सही क़यादत अता फरमा दे। रब्बल आलमीन, आज के ईद के दिन जब तू सबको नवाज रहा है, तो इस गरीब उम्मत को मौला तू रहम व करम से नवाज दे। तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क इस पूरी उम्मत को अता फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिही व असहाबी अजमईन, व आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर के सफ़े दुरुस्त कर लें।